बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम नसीर अलियास एंड टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन टाइप थ्री रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ द टाइप। यानी कि इससे पहले हम टाइप वन और टाइप टू कर चुके हैं और एक्सरसाइज हमारे पास 1.3 है और इसके कुछ क्वेश्चन आपको टाइप वन के मैं करवा चुका हूँ और टाइप टू के करवा चुका हूँ और अब टाइप थ्री है हमारे पास, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, फिर इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे मैं आपको वो कराऊँगा। तो आइए देखती है, ये देखें, वैसे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका जो एक्सपोनेंट होता है वो हमारे पास होता है जी मैक्सिमम टू, लेकिन यहाँ पर देखें फोर और थ्री भी यूज़ हो रहा है, तो हमने इसको सिंप्लीफाई करना है और इसको यानी कि एक्सपोनेंट इसका टू लेके आना है। तो उसका तरीकाकार क्या होगा कि हमने ये जो एक्सपोनेंट फोर है ना इसको ख़त्म करना होगा। उसको कैसे ख़त्म करेंगे कि हम इन सब को अपने से एक वैल्यू ले लेंगे एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू है उसको सब पे डिवाइड कर देंगे। देखें ए एक्स की पावर फोर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर सी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर बी एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर और ए डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल ज़ीरो ही रहेगा आपका। अब आप ये देखिए इसकी कटिंग का वगैरह कर देते हैं हम। देखें ये ऊपर फोर और नीचे टू है तो टू काट गए पीछे, तो हमारे पास देखें ए एक्स स्क्वेयर रह गया। यहाँ पे ऊपर थ्री है तो नीचे टू है तो टू काट देगी तो पीछे हमारे पास वन रह गई एक्स की। अब टू टू से कैंसिल हो गई सी बच गई, यहाँ पे ऊपर एक है नीचे टू है तो ऊपर से एक जो है नीचे वाली टू से काट जाएगी तो नीचे वन एक्स रह गया, बी एक्स आ गया। इसकी कटिंग नहीं हो रही तो ये आपका बिल्कुल ऐसे ही सेम आ जाएगा, यहाँ तक हो गया ओके। अब आप क्या करेंगे एक्स स्क्वेयर वाली और एक्स वाली इकट्ठी काट लेंगे। एक्स भी देखें हमारे पास ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए ओवर एक्स स्क्वेयर फिर बी एक्स प्लस बी ओवर एक्स और प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो, ये हमारे पास आ गया। अब इन दोनों में से आप ए कॉमन ले लें, ए कॉमन आ गया तो पीछे हमारे पास देखें एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर आ गया। यहाँ से आप एक्स बी कॉमन ले लें, एक्स प्लस वन ओवर एक्स आ गया और प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो आ गया। अब आप ये देखिए यहाँ पर हमारे पास एक्स प्लस वन ओवर एक्स हो गई, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर है तो जो x प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर है ना उसको हम इक्वल कर लेते हैं y के ऐसे, ठीक हो गया जी। और जो ये है ना स्क्वेयर वाली है तो हम क्या करेंगे इसका स्क्वेयर ले लेंगे, यानी कि इस साइड का भी और दूसरी साइड का भी हम स्क्वेयर ले लेते हैं इसका। इसका तो आ गया y स्क्वेयर, यहाँ पे आप ओपन करेंगे फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वेयर प्लस टू मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म, ऐसे हो जाएगा ये। तो यहाँ पे आप ये तो आपका आ गया वाई स्केयर सेम, ये बन गया एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर टू, ये एक्स एक्स कैंसिल हो गया प्लस टू आ गया, टू प्लस है तो टू इस साइड पे आपका आ जाएगा जी माइनस एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर जी। देखें एक्स स्केयर जो वन ओवर एक्स स्केयर है वो हमारे पास क्या आ गया जी y माइनस वाई स्क्वेयर माइनस टू। अब आप क्या करेंगे जहाँ पर x प्लस वन ओवर x है वहाँ पर y लगा देंगे, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे आप क्या लगाएंगे वाई स्क्वेयर माइनस टू। अब उसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, a के साथ आ जाएगा वाई स्क्वेयर माइनस टू प्लस b के साथ क्या आ जाएगा जी y और एंड पे हमारे पास प्लस c है, तो इसको अरेंज वगैरह करके तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। देखें ए वाई स्क्वेयर प्लस टू माइनस टू ए प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल ज़ीरो, तो वाई वाली आप देखें इसको ए वाई स्क्वेयर प्लस बी वाई और यहाँ पे आप देखिए माइनस टू ए प्लस सी, तो ये यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है। इसको हम आगे इसके पेयर वगैरह बना गए तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब इसके रिलेटेड जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं आइए वो करते हैं, फिर आपको इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ज़रा और अच्छी तरह इसकी समझ आ जाएगी। तो टाइप थ्री है उसके रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन 10 और 11। तो क्वेश्चन 10 आपको मैं करवा रहा हूँ, 11 आप खुद कर लेंगे। तो इसको देखिए इसमें भी एक्सपोनेंट मैक्सिमम जो हमारे पास 4 है, तो ये वो ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे इन सब को एक्स स्क्वेयर पर डिवाइड कर देंगे ऐसे,
टू एक्स क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल ज़ीरो हो गया। उसके बाद आप इसको कैंसिल करते जाएँ जी, एक्स की फोर में से टू कैंसिल अगर आप करेंगे तो एक्स स्क्वेयर आ जाएगा, इधर से थ्री है ऊपर तो हार्डली टू एक्स स्क्वेयर आ गया, यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो गए टू बच गया, यहाँ पे ऊपर हमारे पास वन एक्स है नीचे टू है तो नीचे से एक कट जाएगा तो वन एक्स रह गया, ये बिल्कुल सेम आ जाएगा, इसकी कटिंग वगैरह नहीं हो रही। अब आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वेयर वाली दोनों इकट्ठी कर लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर, उसके बाद माइनस टू एक्स प्लस टू ओवर एक्स माइनस टू जी। यहाँ पे आप एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर तो सेम लिख लें, यहाँ से टू कॉमन ले लें, एक्स प्लस माइनस माइनस टू कैंसिल हो गया, वन ओवर एक्स बच गया इसका, यहाँ पे माइनस टू सेम आ गया जी। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो वाई है ना इसको हम इक्वल कर लेंगे एक्स माइनस वन ओवर एक्स के। अब एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वेयर लेना पड़ेगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर एक्स माइनस वन ओवर एक्स का स्क्वेयर, ये तो सेम इसका आप स्क्वेयर ओपन कर ले, फर्स्ट टर्म का स्क्वेयर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वेयर तो माइनस टू, ये फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, ये एक्स दोनों कैंसिल हो गया आपस में, टू तो जो आके काट लें आप प्लस, तो ये देखिए हमारे पास एक्स प्लस वन ओवर एक्स का जो वैल्यू है वो हमारे पास ये आ गई। अब जहाँ पर एक्स माइनस वन ओवर एक्स है वहाँ पर हम वाई यूज़ कर लेंगे और एक्स स्क्वेयर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वेयर की जगह पे हम वाई स्क्वेयर प्लस टू यूज़ कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पे आ गया वाई स्क्वेयर प्लस टू, उसके बाद माइनस टू आ गया, इसकी जगह पे आपका आ जाएगा जी वाई और माइनस टू, ये सेम आ गया ऐसे। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वेयर माइनस टू वाई, ये प्लस वाला टू माइनस वाला टू से कैंसिल होगा तो ये हमारे पास इक्वेशन बच गई। अब यहीं से आप कॉमन ले लें इसका, यहाँ से आप देखें वाई का कॉमन आ रहा है, वाई माइनस टू आ गया, वाई भी हमारा ज़ीरो के इक्वल हो गया और वाई माइनस टू भी ज़ीरो के इक्वल, तो ये तो हमारे पास यही आंसर बच गया। इसको आप इधर ला के कर लें आप माइनस, तो ये इधर आके हो गया प्लस, यानी कि प्लस टू हो गया। अब क्योंकि क्वेश्चन में हमारे पास एक्स है आंसर वाई में आ रहा था, हम इसको भी चेंज करेंगे, यानी कि जहाँ पर वाई था वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, अब एक्स माइनस वन ओवर एक्स जी, एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, इसकी जगह पे हमने ये लगा दिया और उसका आंसर जो इक्वल। अब यहाँ पे एक्स का अगर आप एलसीएम ले लें तो एक्स 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 स्क्वायर हो जाएगा, माइनस वन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो एक्स ज़ीरो से जाके मल्टीप्लाई होगा तो ज़ीरो ही हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल ये माइनस वन इधर आकर प्लस हो गया। अब यहाँ पे आपने इसका क्या करना जी, स्क्वायर रूट ले लेना है दोनों साइड का, इस ये कैंसिल हो गया तो वन का अगर आप स्क्वायर रूट लेंगे तो वो वन नहीं आएगा, तो इसके इसके साथ आपने लगा देना जी प्लस माइनस, ये पहला आंसर आ गया। अब दूसरी साइड पे भी सेम आप ऐसे ही करेंगे, एक्स माइनस वन ओवर एक्स इज इक्वल टू के करेंगे, इसका भी एलसीएम अगर आप लेंगे तो वही सेम आ जाएगा, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वन और नीचे एक्स। अब एक्स स्क्वेयर माइनस वन इज इक्वल ये टू और ये एक्स टू से आगे मल्टीप्लाई हो गया, तो एक्स स्क्वेयर माइनस वन टू भी इधर आकर माइनस हो गया, इसको आप अरेंज कर लें, एक्स स्क्वेयर माइनस टू एक्स माइनस वन इज इक्वल ज़ीरो। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, ए हमारे पास वन है, बी हमारे पास माइनस टू है और सी माइनस वन है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करके तो हम इसका आंसर निकाल लेते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस फोर ए सी डिवाइडेड बाई टू ए, तो बी की जगह पे आप लगाएंगे माइनस टू, इनके आपका डबल माइनस आएगा एक बी का और एक टू का अपना, प्लस माइनस बी स्क्वेयर पे आ जाएगा आपका टू का स्क्वेयर माइनस फोर, और ए पे आप लगाए वन लगाएंगे, सी पे आप सी पे माइनस वन आ गया, नीचे आप अगर देखें टू और ए पे आप लगाएंगे वन जी। अब इसको सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस टू हो गया, प्लस माइनस तो
ये स्केयर रूट ऊपर लगा लें जी, टू टू जार फोर माइनस माइनस प्लस हो गया, फोर वन जार फोर, नीचे हमारे पास टू वन जार टू हो गया, टू प्लस माइनस ये हो गया एट और नीचे टू आ गया। एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस एट, अगर आप एलसीएम लेंगे ना तो वो आपका टू बाहर आ जाएगा, टू अंदर आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टू, टू प्लस माइनस। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, इसका कॉमन ले लें, ऊपर दोनों में टू आना, टू बाहर लिख लें ऐसे, टू वन ज़ा टू प्लस माइनस टू वन ज़ा टू, तो ये वन से मल्टीप्लाई होता है तो वो सेम ही आ जाता है ऐसे, नीचे हमारे पास टू आ गया। अब आप क्या करेंगे, इस टू को इस टू से कैंसिल कर दें, तो ये इसका फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया जी, वन प्लस माइनस टू का स्क्वायर रूट। अब इसका जो सॉल्यूशन सेट है हमारे पास, आप देखें क्या है कि पहले प्लस माइनस वन, उसके बाद वन प्लस माइनस टू का स्क्वायर रूट। तो जी ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, वो आप इसी तरह सेम करेंगे, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जो इसकी टाइप 4 है ना, उसके साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफिज़।